इधर ड्रम्स वगैरह भी लगा दिया गया है ताकि बड़ी गाड़ी एंड छोटी भी गाड़ी आ जा ना सके। सो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे आप सभी लोग, आई होप कि मेरी पब्लिक अच्छी होगी। सो मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाला था, तो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे अगर नहीं फॉलो किए तो कर लो, क्या कर रहे हो। तो इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी ये डाला था कि लॉकडाउन में मैं कैसा व्लॉग बनाऊँ। बहुत लोगों ने बोला कि चौराहे पे जाओ और वहाँ के सीन्स दिखाओ, मतलब क्या हो रहा है अभी आपके चौराहे पे। और चौराहा बोले तो मतलब आपको चौराहे पे हर एक फैसिलिटी मिल जाएगी, हर एक चीज़, खाने पीने से लेके उठने बैठने की चीज़ सब कुछ मिल जाएगी आपको, जो कि विलेजेस में नहीं मिल पाती है, तो चौराहे पे मिल जाती है। थोड़ी दूर होता है विलेजेस से, तो चौराहे पे हर एक चीज़ मिल जाती है वहाँ पे आसानी से। तो ये होता है चौराहा का मीन। तो मैं अभी चौराहे पे जाऊँगा एंड वहाँ का सीन्स आपको दिखाऊँगा कि अभी वहाँ पे फ़िलहाल हो क्या रहा है। बहुत सारे पुलिस लोग भी लगे हुए हैं, तो मैं रिस्क लेके जा रहा हूँ दूर आप लोग के लिए। सुबह सुबह उठ के अभी 6 बज रहा है शायद, मैं फ़ोन नहीं लिया हूँ। तो फिलहाल अभी हम लोग चलेंगे और वहाँ का सीन्स दिखाऊंगा, एक्टिवा लेके जाऊंगा मैं, तो देखते हैं। तो और क्या, सो चलो चलते हैं एंड वहाँ का सीन्स देखते हैं क्या है क्या नहीं। सो चलो तो अभी हम जा रहे हैं चौराहे पे, हाल देखते क्या है, पब्लिक ने डिमांड किया तो चलते हैं। हे चाचा, एक भी बार चौराहे और आए पे गए कि नहीं? हाँ ए हीरो, नहीं कैमरा देख के सब डर जाते हैं। आप नहीं गए अभी ना? नहीं, ये नहीं गए हैं। तो राइट नाउ या गाइस, अभी मैं फ़िलहाल चौराहे पे अपने पहुंच गया, तो देख लो एकदम खाली है पूरा हाईवे। ये देखो इधर ड्रम्स वगैरह भी लगा दिया गया है ताकि बड़ी गाड़ी एंड छोटी भी गाड़ी आ जा ना सके। एंड अभी मैं सुबह सुबह बहुत आया हूँ, टाइमिंग भी दिखा दे रहा हूँ, दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन 6:35 हो रहा है अभी। अभी सनराइज़ भी हुआ है पीछे मेरे, देख सकते हो। सो फिलहाल मैं आया एंड देख के मैं खुद एकदम मतलब उड़ गए मेरे कि इतना खाली मैंने अभी आज तक मैंने अपना चौराहा इतना खाली नहीं देखा था कभी भी। तो मतलब यही सब सीन्स चल रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। गाइस एक दो दिन मैं पहले भी आया था, तो यहाँ पे कुछ पुलिस लोग की ड्यूटी भी लगी थी, आजू बाजू बैठे थे, बट अभी फ़िलहाल मुझे सुबह सुबह दिख नहीं रहे। हो सकता है यहीं कहीं होंगे, चाय नाश्ता करने गए होंगे, या फिर मुझे दिख नहीं रहे हैं अभी फ़िलहाल। लेकिन मैं 2-3 दिन पहले आया था तो मुझे दिखे थे, यहाँ साइड में बैठे थे 4-5 पुलिस अंकल्स थे, देख सकते हो। गाइस फ़िलहाल अभी कोई भी दुकान नहीं खुली है, देख सकते हो सब कुछ एकदम बंद है। हम वहाँ से आगे से यू टर्न लेके इधर से आएंगे, अभी दिखाने के लिए मैं आया था, देख सकते हो सब कुछ बंद है, सब कुछ। यू टर्न इंडिकेटर कैसे मारूं यार, हाथ में फोन है। तो गाइस आप लोग सीन देख ही सकते हो चौराहे के क्या हाल चाल है। फिलहाल विलेजेस में तो उतना सब लोग समझते ही नहीं है कि लॉकडाउन क्या है, कि घर पे रहना चाहिए या फिर नहीं। जितना समझाओगे ना उल्टा आप लोगों को समझा देंगे यहाँ की पब्लिक, क्योंकि वो उतने पढ़े लिखे नहीं होते गाइस। सबसे पहली बात, वो आपको उल्टा समझा देंगे कि लॉकडाउन क्या होता है। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे, सब चिपक चिपक के रहते हैं। ये देख सकते हो इतनी सुबह की राशन की दुकान भी नहीं खुली है एंड मेडिकल्स भी नहीं खुले हैं, जो जो मतलब खुलते थे रेगुलर वैसे दुकान अभी खुले भी नहीं हैं। सो और क्या, यही सब चल रहा है विलेजेस में चौराहे पे। तो आप लोगों ने बोला इसलिए मैं आया था सुबह सुबह दिखाने, रिस्क लेके। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं अपने गाँव की तरफ एंड वहाँ देखते हैं क्या है और दिखाते हैं। 2 hours later. क्या हो रहा है भाई साहब? बस ऐसे घुमाए हो रहे हैं। लॉकडाउन में? नहीं लॉकडाउन में तो गांव से भी बाहर नहीं निकल रहे। ठीक है जाओ। क्या बताऊं मैं, बंदी है, बुरा हाल है, और क्या बताऊं मैं। हाँ तो मतलब आसपास हमारे गांव वाँव में क्या हो रहा है अभी? हमारे गांव में कुछ नहीं है, गांव में सब घूम रहे हैं ना, लॉकडाउन यहाँ पे नहीं पता चल रहा है ना।
और काम वाम मिलने लगा कि नहीं अब? काम वाम का तो बहुत बुरा हाल है। ओके सो बस इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं। आई होप कि गाइज आप लोग को मज़ा आया होगा इस ब्लॉग में। अगर मज़ा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, और जो भी वीडियो चाहिए लॉकडाउन से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ, वीडियो को लाइक कर देना। चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। हाँ नहीं बोलबो ए हीरो नहीं।